हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है सरफराज क्रिकेट टीवी में। ऋषभ पंत दुनिया के बड़े विकेट कीपरों में से एक हैं। ऋषभ पंत ने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी विस्फोटक बैटिंग से लोगों को बहुत प्रभावित किया है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है पंत इंडिया टीम के फ्यूचर हैं, लेकिन पंत ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत परेशानियों का सामना किया है। ऋषभ पंत की पैदाइश 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। ऋषभ पंत के पिता का नाम राजेंद्र पंत और माँ का नाम सरोज पंत और बहन का नाम साक्षी पंत है। ऋषभ पंत बचपन में बेहद शरीफ थे। वे ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिससे उनके घर वालों को कोई परेशानी हो, पर वे क्रिकेट के लिए बेहद जुनूनी थे। इसलिए वे बचपन में मुगरी, जिससे कपड़ा धोते हैं, उससे बैटिंग करते थे और उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे उसे लेकर बाहर निकल जाते थे। इसी वजह से उन्हें मम्मी से मार भी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि ये उनकी पहली पसंद है। इसके बाद उनके पेरेंट्स ने कभी उन्हें खेलने से नहीं रोका। 2007-08 की बात है, जब उनकी दीदी दिल्ली में रहती थी, जिन्होंने ऋषभ को बताया कि दिल्ली में एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के द्वारा क्रिकेटर चुने जा रहे हैं, तो वे भी दिल्ली आ गए और उनका सिलेक्शन भी हो गया। उन्हें दिल्ली के सोनेट क्लब में सप्ताह के 2 दिन, शनिवार और रविवार को क्रिकेट ट्रेनिंग दिया जाने लगा। और उस वक्त ऋषभ महज 10-11 साल के थे और उन दिनों उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किराए के कमरे में रह सके। इसलिए वे सुबह सुबह ट्रेन के द्वारा रुड़की से दिल्ली पहुंचते, पूरे दिन भर सोनेट क्लब में ट्रेनिंग लेते और शाम होते ही पास में मोती बाग गुरुद्वारे में चल रहे लंगर से पेट भर लेते और रात भी वहीं बिता लेते थे। अगले दिन रविवार को ट्रेनिंग लेते और ट्रेन से अपने घर रुड़की लौट जाते। यही काम कई सालों तक चला। वे बार बार आने जाने से होने वाले परेशानियों ने उनके हौसलों को कभी हरा नहीं सका। ऋषभ पंत कहते हैं, मैंने इन सभी दिक्कतों को इंजॉय किया क्योंकि मेरा जुनून इन परेशानियों से बड़ा था। फिर वे आगे की ट्रेनिंग के लिए राजस्थान भी गए, जहां से कुछ दिनों के बाद लौट आए और दिल्ली में ही सोनट क्लब से ट्रेनिंग लेने लगे। एक बार ऐसा भी कठिन समय आया था जब उन्हें क्लब से निकाल दिया गया, पर वे फिर भी अपने जुनूनी क्रिकेट को सीखने से पीछे नहीं हटे। आखिर में क्लब ने उन्हें दोबारा एंट्री दी और इस बार उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत झोंक डाली। उनके बचपन के कोच रहे तारक सिन्हा बताते हैं, ऋषभ में एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, वह बॉल को जल्दी जज करता है। यही कारण था वे एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ धोनी की तरह एक बेहतरीन विकेट कीपर भी बन गए, जिसके कारण उन्हें जल्दी ही दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल कर लिया, जिसके लिए उन्होंने खेलते हुए बंगाल के खिलाफ 22 अक्टूबर 2015 को डेब्यू किया। मौजूदा रणजी सीरीज में उन्होंने 81 के एवरेज से 972 रन बनाए, जिसमें उन्होंने झारखंड के खिलाफ 48 गेंदों पर सबसे तेज फर्स्ट क्लास शतक भी लगाया और महाराष्ट्र के खिलाफ 308 रन की लाजवाब पारी भी खेली। इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के कारण दिसंबर 2015 में 2016 के अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए चुने जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में जगह दी गई। इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर ऋषभ पंत ने अपना तेज तेवर दिखाते हुए नेपाल के खिलाफ मात्र 18 गेंदों पर 50 ठोक डाली और नामीबिया के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी भी ठोक डाली। उसी दिन आईपीएल टीम दिल्ली डेयर डेविल्स ने 1.09 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जबकि ऋषभ पंत की बेस प्राइस 10 लाख रुपए ही थी। आईपीएल के मौजूदा सीजन में वे अपने बैटिंग स्किल के साथ अपनी विकेट कीपिंग की अच्छी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। आखिर इतने धमाकेदार खिलाड़ी को कब तक भारतीय T20 क्रिकेट टीम से दूर रखा जा सकता था। इसलिए जनवरी 2017 में इंग्लैंड के 3 मैचों की T20 सीरीज में इंडियन टीम का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका 2 फरवरी 2017 को हुए तीसरे और आखिरी T20 मैच में मिला। इसी के साथ वे 19 साल और 120 दिन के होने के कारण T20 मैच में डेब्यू करने वाले सबसे यंग भारतीय खिलाड़ी बन गए, जिसमें वे 5 रन बनाकर नाबाद रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऋषभ पंत की इस दर्द भरी क्रिकेट जर्नी से
आपने क्या सीखा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।